हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका निष्का ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और यहाँ देखिए, आज मैं आपके लिए सुपर डुपर यम्मी सिलबट्टी की चटनी लेकर आई हूँ। जो मैं सिलबट्टी की चटनी बना रही हूँ तो आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड्स कि मैं किस तरह से सिलबट्टी पर चटनी बनाती हूँ। टमाटर ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है, धनिया ले लिया है और एक अदरक का टुकड़ा ले लूँगी और लहसुन की कलियाँ ले लूँगी 3 से 4। और फिर मैं आपसे शेयर करूंगी फ्रेंड्स कि मैं किस तरह से चटनी बनाती हूँ सिलबट्टे पे। और यहाँ देखिए, मैंने इन सबको कट करके रख लिया। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरी चटनी पिस चुकी है और बहुत ही अच्छी लगी और मेरे घर में सबको पसंद आती है ये चटनी। और हमारे यहाँ सिलबट्टे को सिलबट्टा ही बोलते हैं। आप क्या बोलते हो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं यहाँ पर मसाले ऐड कर दूँगी इसमें, अब जो मुझे स्वाद के अनुसार खाने हैं, नमक, मिर्च, जीरा और बस यही मसाले ऐड करूँगी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करूँगी। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से मिक्स करने के लिए एक बार और पीस लूँगी और फिर मेरी बनकर रेडी हो जाएगी सिलबट्टे की चटनी। यहाँ देखिए, बन चुकी है मेरी चटनी। ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये चटनी। खासकर गर्मियों के टाइम में तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है रोटियों के साथ, और आप एक रोटी के बजाय 2 रोटी खा सकते हैं। और यहाँ मैं ये फ्रेंड्स, मैंने ये खाना खा लिया था, उसके बाद मैंने क्लिप बनाई थी फ्रेंड्स, इसमें से थोड़ी सी ख़त्म भी हो चुकी है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो।